नमस्कार दोस्तों, चर्चा करेंगे एक ऐसे स्टॉक की। एक स्मॉल कैप साइज़ का स्टॉक है और मुझे बहुत ही पसंद है। मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट भी है, तो ये तो पहले मैं आपको डिस्क्लोज़र दे दूं। और इसमें पैसे लगाने चाहिए दोस्तों, ठीक है, पैसे लगाने चाहिए। और भविष्य में हो सकता है अगर आप इसको बाय करते हैं, ये 10x तक रिटर्न देने का दम रखता है अगले 4 से 5 साल में। और आपको पता है मैंने ऐसे पहले भी बहुत स्टॉक बताए हुए हैं, चाहे वो दीपक नाइट्रेट हो, चाहे वो टाटा एलेक्सी हो, चाहे वो LTTS हो, चाहे वो LTI हो, चाहे वो लक्स इंडस्ट्री हो, जिन्होंने पैसा डबल ट्रिपल 4 times तक किया है, ठीक है। अब उसी कैटेगरी में आप कह लीजिए, मुझे ऐसा लग रहा है ये स्मॉल कैप स्टॉक आगे आने वाले टाइम में 4 से 5 साल में यहाँ से 5x 10x के बीच में रिटर्न देने का दम रखता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ। दूसरा दोस्तों, ये मेरा पर्सनल व्यू है। आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप पहले किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लीजिए, अपने किसी दोस्त वगैरह से ज़रूर सलाह लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ मैं अपना पर्सनल व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आइए चलो शुरुआत करते हैं। स्टॉक की बात करें तो बहुत मार्केट कैपिटलाइजेशन 3490 करोड़ की है। इट मीन्स स्मॉल कैप साइज़ की कंपनी है। करंट प्राइस 376 करोड़ का है। हाई इसने 530 का लगाया है, लो 321 का लगाया है। तो पी स्टॉक की इस समय 22.6 है। तो आप इसको यहाँ पर वैल्यूएशन पर बाई कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल स्टॉक महंगा नहीं है। स्टॉक ने ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 18.5% की दी है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 22.9% की दी है। मतलब बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बढ़िया है। फंडामेंटल्स में यहाँ से जान दिख रही है स्मॉल कैप कंपनी में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा मैं आपको सेल्स की तरफ आपको ध्यान ले जाना चाहूँगा। अगर आप क्वार्टरली सेल्स देखेंगे ना, आपको क्वार्टरली सेल्स बढ़ती हुई दिखेगी, ठीक है। मार्च 2021 में 305 करोड़ की सेल है, जून 2021 में 386 करोड़ की सेल है, सितंबर 2021 में, माफ़ कीजिएगा, 387 करोड़ की सेल है, दिसंबर 2021 में 358 करोड़ की सेल है, एंड लास्ट क्वार्टर जो निकला है मार्च 2022 उसमें 400 प्लस करोड़ की सेल है। उसी प्रकार से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी ने मेंटेन करके रखा हुआ है। पिछले 4 quarters का देखा जाए तो 87 करोड़, 86 करोड़, 73 करोड़, देन अगेन 80 करोड़। तो ये तो हो गया क्वार्टरली रिजल्ट जो भी पीछे कंपनी ने पिछले 1 साल में दिए। अगर हम इसी प्रकार से इसके एनुअल रिजल्ट को देखें तो मार्च 2019 में कंपनी की सेल्स थी 968 करोड़। मार्च 2020 में, 2020 जो कोरोना वाला साल था, वहाँ पर कंपनी की सेल थी 1106 करोड़। मार्च 2021 में, करेक्ट 1 साल बाद, कंपनी की सेल है 1240 करोड़। और ये जो साल निकला है जिसमें भी मार्च खत्म हुआ, एनुअल रिजल्ट है 1540 करोड़, हाईएस्ट एवर सो फार अब तक जब से इसका धंधा चलता आ रहा। उसी प्रकार से कंपनी ने एक्सपेंसेस भी बढ़ाए हैं, अपने आप को ग्रो भी किया है, लोगों की तनख्वाह भी दी है, सब कुछ किया है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उसी हिसाब से आप देखिए, पिछले 4 साल का ही आप देखें तो 77 करोड़, 124 करोड़, 224 करोड़, 327 करोड़। बहुत ही दमदार रिजल्ट है कंपनी के, बहुत ही दमदार बिजनेस कर रही है कंपनी। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा स्टॉक है दोस्तों इंडिको रेमेडीज़, ठीक है। और अभी फ़िलहाल करंटली 376 पे ट्रेड कर रहा है, 500 का इसका हाई है, प्रीवियसली हाई को रिटेस्ट करने आया है। आप इसमें यहाँ पर डेफिनेटली बाई कीजिए। और दूसरा लेवल जो बाई करने का निकल के आ रहा है वो है 300-300, वहाँ पे मिलता है, और डेफिनेटली बाई करिए। कंपनी बहुत ही उम्दा काम कर रही है, कंपनी बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। ये 300-350 का प्राइस है। मुझे लगता है अगले 4 से 5 साल में ये स्टॉक 2000+ दिखेगा, आप 2000+ दिखेगा, ठीक है। ये मेरा पर्सनल टारगेट है। और आपको ऐसे ही स्टॉक के रिकमेंडेशन चाहिए, इन सब चीज़ें, प्लीज़ इस चैनल को ज्वाइन कीजिए। मैं ऐसे ही जेम्स आपके लिए खोज के लेके आता रहूँगा। 10,000 लगाइए, हो सकता है भैया ये 10,000 आपको लाखों बना के दे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।